नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है कुशाग्र सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। तो आज के दिन हम एक और वंदे भारत एक्सप्रेस कवर करने वाले हैं, जो आज ही के दिन नागपुर से सिकंदराबाद की तरफ जाने वाली है। अभी डेली चलेगी फिलहाल, और इसका शेड्यूल एंड टाइम टेबल भी आ गया है, वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आज स्पेशल इनॉग्रेशन रन है इसका, जिसमें कि हम अभी 3:30 बजे डिपार्चर ले लेंगे। कुछ ही देर में हमारी गाड़ी चलने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ टीवी भी लगे हुए हैं, जिसमें कि यहाँ पर नागपुर से सिकंदराबाद यहाँ लिख के आ रहा है, डिस्टेंस लिख के आ रहा है। जब गाड़ी चलेगी तो यहाँ स्पीड भी लिख के आएगी, साथ ही साथ यहाँ तेलुगु में भी लिख के आ रहा है, इंग्लिश हिंदी के साथ साथ, और हो सकता है मराठी पर भी लिख के आए, क्योंकि भाई ये महाराष्ट्र से तेलंगाना तक के लिए जा रही है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। उसके बाद अब आपको मैं यहाँ की सीट्स दिखाता हूँ। अभी बिल्कुल ऑरेंज लिवरी वाली वंदे भारत है, एकदम ही नई, तो उसमें बहुत कुछ सारे स्पेसिफिकेशन नए नए दिए गए हैं, और बहुत ही ज़्यादा अलग गाड़ी है ये। अब इसमें क्या आखिर ऐसा खास है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो लुक है पूरा का पूरा चेंज हो गया है, ऑलमोस्ट यहाँ पर थोड़ा सा नया किया गया है पुरानी वंदे भारत के मुकाबले। सीट्स तो यहाँ पर सेम ही कलर है, और बाकी आप सीट्स देख सकते हैं, पीछे 2x2 है, और आगे उसके बाद पूरी की पूरी 3x3 शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अपना ट्रे टेबल थोड़ा सा ज्यादा टाइट है, और थोड़ा बड़ा भी कर दिया गया है, ताकि इसमें लैपटॉप वगैरह भी आ सके आराम से। ये यहाँ पर बास्केट एक लगाई गई है, जो कि पहले नॉर्मल ट्रेन में आपको देखने को मिलती थी, अब नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर बॉटल होल्डर है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये फुटरेस्ट भी दिया गया है। इसके साथ साथ इस गाड़ी में रेक्लाइन का भी ऑप्शन दिया गया है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिया एक्चुअली। यहाँ पर एक बटन है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, ये एक बटन है, इसको हम दबा के यहाँ पर पीछे रुक जाए, ये देखिए अब यहाँ पर सीट जो है काफी ज्यादा रिक्लाइन हो जा रही है। तो पुरानी वंदे भारत एक्सप्रेस के जो कोचेस थे उनमें ऐसा नहीं होता था, इसमें लेकिन ऐसा हो रहा है। तो ये यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेशल फीचर है इसका। और साथ ही साथ अब मैं बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ गाड़ी में इतना ही खास चीज नहीं है, और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। साथ ही मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ मेरे दोस्तों से, क्योंकि आज मेरे कई और सारे दोस्त आए हैं मेरे साथ में। तो ये अभी जो वीडियो बना रहे थे, ये है निखिल रिचारिया, इनका खुद का भी यूट्यूब चैनल है। ये कोडिंग के बारे में बताते हैं, इनका मैं आईडी आपको मेंशन कर दूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर से जाके देखिए। यहाँ पर है कनक जोशी, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पर अभिनव है, साथ ही साथ यहाँ अमित कुशवाहा, इनको आपने नागपुर मेट्रो के ब्लॉग में देखा होगा, इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर बताया था। उसके बाद यहाँ पर मेरे एक स्पेशल दोस्त यश पीसे हैं, जो कि साथ में आए हैं, और यहाँ पर रवि कुशवाहा जी, ये इलेक्ट्रिकल की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, और आपको बीच में अवगत कराते रहेंगे। तो आज यहाँ पर फ्री इनॉग्रल टिकट्स है, इसलिए यहाँ पर पूरी की पूरी गाड़ी भरी हुई है। C9 कोच है फिलहाल हमारा, मैं बाहर से भी दिखाऊंगा बीच में जहाँ गाड़ी रुकेगी, और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी कुछ चीजें स्पेशल भी दी गई है। ये जो आप बीच में देख रहे हैं, ये बैटरी के बारे में बताता है कि भाई बैटरी कितनी चार्ज है, उसका स्टेटस बताता है, और अगर बैटरी खत्म हो जाती है, यहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाएगी, तो उसके बाद उसमें इमरजेंसी लाइट्स भी लगाई गई है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसके बारे में, तो ये यहाँ पर हैमर लगा हुआ है, अगर यहाँ इमरजेंसी होती है तो उस टाइम पर इसको तुरंत ही निकाल कर आप यहाँ से कांच को फोड़ के आगे निकल सकते हैं। यहाँ पर ये अलार्म प्रेस बटन भी लगाया गया है ऊपर में, इसको भी अगर आप घुमाएंगे तो यहाँ गाड़ी रुक जाएगी। और यहाँ पर ये देखिए इमरजेंसी स्टॉप, यहाँ पर ये भी एक बटन दिया गया है, जो कि ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर के लिए है। और फिलहाल यहाँ पर जैसे ही हम आगे आएंगे तो ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर खुल जाएगा। ऊपर भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिख के आ रहे हैं, और स्पीड भी लिख के आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ये फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाया गया है, इसको तो आप देख कर ही समझ गए होंगे, जैसे यहाँ पर स्मोक आएगा तो उसके बाद ये अलार्म देगा, और यहाँ पर फायर को एक्सटिंग्विश किया जाएगा। अभी बताएंगे एक और नए फीचर के बारे में। तो एज यू कैन सी, यहाँ पे एक नया रोलर ब्लाइंडर लगाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हम इसको लगा रहे हैं, पहले के कंपैरिजन में इसका जो ट्रांसपेरेंसी है बहुत कम हो गया, जो कि बहुत अच्छा फीचर है, और बहुत न्यू फीचर है इस टाइप ऑफ ये वंदे भारत के वेरिएंट। तो देखो भाइयों, ये हमारा टेबल, ये पूरे कोच में सिर्फ इस जगह पे टेबल दिया हुआ है, आप इसको ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं, और ऐसे खाना खाने चाहे तो आप इसको खोल भी सकते हैं। ये बस यहाँ दो ही टेबल रहते हैं हर एक कोच में, तो यहाँ पे ये थोड़ा स्पेशल बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर कोई फैमिली रहेगी तो आराम से यहाँ 4 जन बैठ सकते हैं, हमारे दोस्त लोग बैठे। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे हो सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली चार्जिंग सॉकेट कर सकते हैं, डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं यहाँ पे मोबाइल। और यहाँ पे लाइट के बारे में जो अभी बताएंगे, हमारे पास एक नया फीचर है, लाइट कम होती है ज्यादा होती है, ये नया फीचर है, और कुछ नहीं है। वंदे भारत में आए हैं, और यहाँ पर एक और हमने नई चीज देखी है कि इसके पास एक खुद का एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप यहाँ से जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक वंदे भारत में साइन इन करेंगे तो उनने मूवीज आपके लिए बनाई है बहुत सारी, आप उसको एंटरटेनमेंट का पूरा ले सकते हैं। तो आपके सारे एंटरटेनमेंट की सुविधाएं इधर है।
यहाँ सबसे पहले यहाँ पर 10 रुपए वाली रेलनीर दी गई है। तो यहाँ थोड़ी छोटी है, लेकिन शायद हो सकता है नॉर्मल जब जर्नी इस गाड़ी की होगी तब यहाँ पर दिया जाएगा। स्पेशल कप भी दिया गया है यहाँ पर तो सबके लिए। यहाँ अच्छी क्वालिटी का कप है भाई, ये देखिए स्टार बक्से कप है। अब ये जो टॉयलेट है ये बायो वैक्यूम टॉयलेट, जैसे की बिल्कुल एरोप्लेन्स में रहते हैं। तो फिलहाल तो ये दूसरी LHB ट्रेन्स में भी आया करते थे, जो कि अब बंद होते जा रहे हैं धीरे धीरे नए सारी ट्रेन्स में। लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस इसमें अभी भी आपको ये देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर ये जो बटन है इससे ही यहाँ फ्लश होता है। देन यहाँ पर आप लेंथ देख सकते हैं इस वॉशरूम की कितनी ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पर आप डेप्थ देखिए इस वॉश बेसिन की, जो कि बढ़ा दी गई है पिछले वंदे भारत एक्सप्रेस के मुकाबले। साथ ही यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर और साथ ही साथ हैंड ड्रायर, तो इसके नीचे जैसे ही आप हाथ लेके जाएंगे तो ये चालू हो जाएगा। यहाँ देखिए पानी भी प्रॉपरली आ रहा है और साथ ही साथ ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर जो कि एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर ओडोनिल की गोलियां भी रखी गई थी और एक काफी बड़ा एयर फ्रेशनर भी यहाँ पर लगा हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली काम करता है। और इसकी स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी आ रही थी। साथ ही यहाँ पर कोट हैंगर भी है और एक टॉवल को टंगाने के लिए भी एक हैंगर यहाँ पर दिया गया है। तो कुछ इस तरीके का एकदम नया वॉशरूम है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यहाँ हमारी गाड़ी एकदम एग्जैक्टली यहाँ पर 4:25 पर निकल चुकी है। सामने वो जो आप गाड़ी देख रहे हो नागपुर अमरावती एक्सप्रेस, सिक्योरिटी बहुत है, बीच बीच में हर जगह पर यहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं ताकि इस गाड़ी के ऊपर पत्थर ना मारे। यहाँ पर हमारा खाना आ चुका है, आप देख सकते हैं पूरा पूरा हल्दीराम का आइटम है यहाँ पे, खट्टा मीठा यहाँ पर नमकीन है, लौटी चोको पाए है, साथ ही साथ यहाँ हल्दीराम की चटनी है, ये यहाँ पर पैटीज हो गई, रियल का एक जूस है, कचौड़ी है और साथ ही साथ यहाँ पर गुलाब जामुन भी है। फिलहाल सब लोग यहाँ पर मजे ले रहे हैं खाना का। I don't know, I think my standards are quite high, but this food tastes like a shit. तो जैसा कि आपको कनक जी ने उनका रिव्यू दिया, तो इसमें कुछ चीजें अच्छी है कुछ चीजें खराब है। जैसे कि ये कचौड़ी तो जैसा कनक जी ने बोला वैसी ही है, ये पैटी भी वैसी ही है, ये अच्छा है क्योंकि शायद ये हल्दीराम में नहीं बनता। फूड आइटम यहाँ पर अच्छा है और बाकी सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल ही है। देखिए हमको खाना बहुत जबरदस्त मिला है, ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है और ये मिला है। इनका नाम क्या है? गुलाब जामुन, रियल जूस, खट्टा मीठा, पफ, इसको क्या बोलते हैं, पैटीज एंड लॉटी चोको पाय। तो यहाँ गेट से यहाँ पर आके आप यहाँ पर देख सकते हैं इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट लगाया गया है। अब ये बॉर्डरलेस हो गया है यहाँ पर पुरानी गाड़ियों के मुकाबले में। यहाँ पर आप पुश करके यहाँ पर टॉक भी कर सकते हैं। आगे में ऐसी दो और लगाए गए हैं। फिर यहाँ पर आप दरवाजा देख सकते हैं जो कि ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक यहाँ पर, अब यहाँ जब भी गाड़ी खुलेगी तभी ये खुलेगी और तभी बंद होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कैमरा भी लगाया गया है आप देख सकते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए 2024 बिल्कुल नई नई वंदे भारत अभी की अभी बनी है और आ गई है यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर बीच में देखिए कितना बढ़िया यहाँ वेस्टिब्यूल सिस्टम लगाया गया है, एकदम ही यहाँ पर शानदार, काफी बड़ा है। देखिए निखिल यहाँ पर आके बताएगा, ये देखिए कितना बड़ा, मतलब ये कितना ज्यादा यहाँ पर हो गया है, नॉर्मल गाड़ियों में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी चीज बता दूं कि ये जो यहाँ पर कवर किया गया है पूरा का पूरा, तो ये कवर इसलिए किया गया है ताकि यहाँ पर आवाज ना आए बाहर की, वरना नॉर्मल ट्रेन में बहुत ज्यादा आवाज आती थी। साथ ही साथ इस फ्रेम में आप देख सकते हैं लाइट्स भी लगाई गई है, एक LED लाइट यहाँ है, एक LED लाइट यहाँ है, कुछ इस तरह का यहाँ पर एक कोच हो गया है। आगे फिर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर खाना खाने के लिए सिस्टम बनाया गया है पूरा का पूरा, तो यहाँ नॉर्मल वाटर, हॉट वाटर और इस तरह की काफी सारी सुविधाएं हैं जो यहाँ पर दी गई है अलग से। तो यहाँ पर एक कोच में सिर्फ और सिर्फ दो ही वॉशरूम रहते हैं, जैसे कि अब ये हमारा C9 कोच है तो इसमें यहाँ पर दो वॉशरूम है, एक हो गया यहाँ पर, एक हो गया यहाँ पर, और आगे वहां पर उस तरफ में खाना रखने का बनाया गया है। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ वॉशरूम नहीं है, खाना रखने का बनाया गया है। तो कुछ इस तरह का फॉर्मेशन रहता है वंदे भारत एक्सप्रेस का। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऊपर में लाइट है, एक यहाँ लाइट है, एक यहाँ है, तो कई सारी यहाँ लाइट्स भी हो गई है, कैमरास भी है, तो ये यहाँ खासियत है। और अभी हम आपको एक और स्पेशल चीज दिखाता हूँ, देखिए कितना बड़ा, कितना बढ़िया हरा भरा नजारा है। साथ ही साथ ये है अपलाइन, हम जा रहे हैं डाउन लाइन में, और यहाँ पर आपको एक और स्पेशल चीज दिखाता हूँ, नागपुर से सेवाग्राम तक दो लाइन्स और है, मतलब कि यहाँ पर 4 लाइन है टोटल नागपुर से सेवाग्राम, क्योंकि ये इंडिया का बिजनेस सेक्शन था एक टाइम पर, यहाँ पर मालगाड़ियां भी बहुत चलती है, उसी वजह से यहाँ पर 2 लाइन इधर हो गई है और 2 लाइन यहाँ साथ में, तो 4 लाइन टोटल मिलकर यहाँ पर बनाई गई है। तो ये चीज बहुत ज्यादा खास बनाती है नागपुर से सेवाग्राम के सेक्शन को।
बहुत ज्यादा अलग भी है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर फॉर्मेशन है इस वंदे भारत एक्सप्रेस का, बहुत ही ज्यादा कमाल की। और देखिए क्या सुंदर नजारे हैं यहाँ। अगर यहाँ पर दरवाजे लॉक हो जाते हैं और ये खुलते नहीं है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इमरजेंसी ओपनिंग डोर, यहाँ पर एक स्विच दिया गया है, इसको जैसे ही हम यहाँ पर घुमाएंगे तो फिर ये दो डोर यहाँ पर खुल जाएगा इमरजेंसी डोर। साथ ही साथ यहाँ पर ये प्रेशर इंडिकेट कर रहा है जो कि यहाँ डोर को खोलने के लिए लगता है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर अलग से ये सारा सिस्टम दिया गया है। तो यहाँ पर मैं अब अपने दोस्तों का मैं एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगा कि ये लोग आखिर कैसा फील कर रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस। रवि कैसा फील कर रहे हैं? इसकी ओवरऑल एक्सपीरियंस इज वेरी ग्रेट। यू कैन सी दैट गाड़ी बहुत स्टेबल है, प्लस इसकी स्पीड भी अच्छी खासी मेंटेन है। एंड जितना भी कंपैरिजन किया जाए दूसरे वंदे भारत से, इनॉग्रल के कारण इसका प्रायोरिटी प्लस इसमें जो क्लीनिनेस है वो ज्यादा बहुत अच्छे से मेंटेन रखा है। ट्रेन के एक्सपीरियंस तो काफी अच्छे, खासकर जैसे रवि ने कहा इसकी स्टेबिलिटी तो लाइक बहुत अच्छी है, बट कमिंग ऑन फूड इट्स अ ट्रैप। तो ये मेरा पहला वंदे भारत का एक्सपीरियंस था, ये काफी अच्छा रहा। जैसा विशाखा जी ने बताया कि आपको यहाँ का जैसा एक्सेलरेशन है, मैंने सिर्फ इनके वीडियो में देखा था कि बहुत फास्ट है, पर मैं उसको फील भी किया आज। और जैसा कनक ने भी बताया कि इसका जो स्टेबिलिटी है, अभी हमारी गाड़ी वो देखिए वहाँ पे 130 किलोमीटर पर आगे स्पीड से चल रही है, पर हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। नॉर्मल गाड़ी होती है, अभी तक हम लोग बिल्कुल हिल रहे होते हैं। यश यहाँ बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस इस गाड़ी का। पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आगे, दिल गार्डन गार्डन हो गया आज ये ट्रेन में बैठ के। मैं तो पहले यात्रा करता था, पर मुझे सबसे ज्यादा मजा पहली बार आ रहा है आज, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है। पहले तो इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही अच्छी है, और मेन मतलब यहाँ का जो लग्जरियस हमें दिखाई दे रहा है ये सब बहुत ही आकर्षक है। और मुझे ऐसा लगता है कि सब ट्रेन को निकाल कर यही ट्रेन, ऐसी ट्रेन और बननी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी ट्रेन है। जो यहाँ पर सारे लोग स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए गाड़ी हमारी 130 की स्पीड में, मैं बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेट खड़ा हूँ और कोई यहाँ मुझे यहाँ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है, एकदम गाड़ी बढ़िया भाग रही है और बिल्कुल यहाँ स्टेबल है। तो इसका सस्पेंशन सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा रखा गया है, ये और कोई गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ में मिलेगा। तो ये इसकी सबसे ज्यादा तारीफ है। बाकी आपको 130 की स्पीड दिखाता हूँ, ये देखिए देखिए हमारी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। तो नागपुर में फिलहाल तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, पहले यहाँ नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी जिसमें कि मैंने सफर किया है, और उस ब्लॉग का आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। सेकेंडली यहाँ पर नागपुर इंदौर की वंदे भारत चली है, उसका भी मैंने ब्लॉग बनाया था। थर्ड यहाँ पर नागपुर सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, इसका मैंने ब्लॉग बनाया। आगे चल के आपको स्लीपर वंदे भारत भी मिलेगी नागपुर से पुणे के लिए, जिसकी खबर फिलहाल चल रही है, और आगे देखिए कैसी रहेगी गाड़ी वो। टाइम हो रहा है यहाँ पर 5:25 के करीब, और यहाँ पर हम सेवाग्राम स्टेशन पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं उस साइड में मतलब प्लेटफॉर्म जो है, तो वहाँ पर एक ही लाइन में दोनों तरफ से प्लेटफॉर्म है, यहाँ प्लेटफॉर्म 3 है, यहाँ हम प्लेटफॉर्म 2 पर आ रहे हैं। और ये देखिए सामने एक गाड़ी आ रही है, और ये है पुणे हावड़ा मतलब की आजाद हिंद एक्सप्रेस। तो काफी ज्यादा ये लेट आ रही है, यहाँ सुबह का इसका टाइम है और अब जाके आ रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और क्या पता हमारी गाड़ी में घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे, इसलिए हम यहाँ पर उतरने का रिस्क नहीं लेंगे। काफी गाड़ी यहाँ पर खाली हो रही है, ऑलमोस्ट जितने नागपुर वाले सब यहीं उतर रहे हैं, और हम फिलहाल बलारसा रेलवे स्टेशन तक जाएंगे। सेवाग्राम जंक्शन से साउथ की तरफ की लाइन अलग हो जाती है और मुंबई साइड की लाइन अलग हो जाती है। अभी आप आगे में बहुत ज्यादा खतरनाक वाला कर्व देखेंगे, ऑलमोस्ट 90 degree वाला कर्व, जहाँ से हम अलग हो जाएंगे। और ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, तो वहाँ जो दो लाइन्स और बन रही है, मतलब कि नागपुर से जो सेवाग्राम थी, आगे वो सिंगल लाइन हो जाएगी, तो ये सीधा आगे वर्धा की तरफ चले जाएगी यहाँ ऊपर से, और यहाँ ये जो दो मेन लाइन्स हैं ये यहाँ इसके नीचे से लेफ्ट साइड में निकल जाएंगे। इसीलिए सेवाग्राम से साउथ में जाने वाली हर गाड़ी की स्पीड धीरे हो जाती है, और मुंबई जाने वाली सारी गाड़ियाँ स्पीड से जाती है। देखिए हम यहाँ पर ट्रैक्स चेंज कर रहे हैं, और लेफ्ट साइड में अभी हम बहुत बड़ा कर्व लेंगे, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर आगे आपको ग्रीन सिग्नल भी दिख रहा होगा, और गाड़ी एकदम खतरनाक टर्न ले रही है। तो ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ सेवाग्राम में मिलेगी, और सिर्फ यहाँ से ही नहीं, मैं आपको पीछे से भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए अब यहाँ कांच है, जिसके कारण मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूँ, वरना मैं आपको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँ। मुंबई की लाइन हमसे अलग हो चुकी है,
उस साइड जो लाइन जा रही है वो सीधा मुंबई की तरफ जा रही है और यहाँ पर ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है। टाइम आप देख सकते हैं 5:35 करीब हो रहा है। सेवाग्राम तक के यहाँ पर दो लाइन्स और थी और यहाँ से अब आप आगे देख रहे हैं एक ही लाइन है। अब क्योंकि यहाँ से बलारशाह के लिए तीन ही लाइन्स है, सेवाग्राम तक के एक लाइन और में आ चुके हैं। इसकी सीट्स के बारे में मैं आपको एक बार बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रिक्लाइन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, इसको हम दबा के यहाँ एकदम पीछे तक रिक्लाइन कर सकते हैं। तो ये चीज जो है चेयर कार में आपको नॉर्मल इतना नहीं मिलेगा, इसमें आपको ज्यादा मिलता है। देखिए दबा के आगे भी हो जाएगी और साथ ही साथ इसमें ऐसे घुमाने के लिए भी फीचर दिया गया है। आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ स्विच दिया गया है, इसको आप जैसे ही पैर से प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से ऐसे सीट्स यहाँ घूम सकती है। तो ये जो सीट्स है 360 डिग्री रोटेबल है। अब जैसे यहाँ पर अगर फैमिली है तो आप देख सकते हैं दो दो जन एकदम आमने सामने पर यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो ऐसा सारी सीट्स में दिया गया है। यहाँ चार्जिंग सॉकेट्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिए गए हैं और इसका जो लेग स्पेस है, लेग स्पेस बहुत ज़्यादा कमाल का है अगर आप देखेंगे तो। ये चीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ ट्रे टेबल का। ये देखिए यहाँ पर इसको ऐसे खोल के यहाँ ही ऊपर निकल जाता है और ये यहाँ पर ये ट्रे टेबल, तो यहाँ ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये आपको एग्जीक्यूटिव क्लास काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लगेगा और इसका किराया भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको सर्विसेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी और खाना पीना जब आप इसमें आएंगे तभी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव क्लास के कुछ पैसेंजर से हम उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। हेलो, आपका शुभ नाम? सुनीता हेलवटकर। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और आज हम लोगों को आउट ऑफ स्टेशन ऑर्डर्स के लिए जाना पड़ता था, सबसे सुटेबल ट्रेन हो गई है मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे चंद्रपुर, बल्लारशाह, हैदराबाद, सिकंदराबाद इस साइड में जो भी कुछ अवेलेबिलिटी है तो उसकी मतलब उसकी से बहुत अच्छी सुविधा हो गई कि हम लोग कम समय में ज्यादा डिस्टेंस जल्दी कवर कर सकते हैं। आपका नाम बताइए और कैसा फील कर रहे हैं? मेरा नाम संध्या कुके है और मैं आज पहली बार ये ट्रेन में बैठी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज ये जो कुछ भी हमारे साथ ने इतना अच्छा फीलिंग्स जो हमारी हो रही है तो वो मैं नितिन गडकरी जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बस मेरा एक क्वेश्चन है उनके लिए कि सर प्लीज जैसे आधी टिकट हमारी बस में लगाए किए है तो ऐसे ट्रेन में भी हमारी आधी टिकट कीजिए, बस इतना ही कर बोलती हूँ। यहाँ पर सारे सीनियर सिटीजन से आपने जाना कि किस तरह का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर ये सारे लोग कंसेशन की मांग कर रहे हैं क्योंकि भाई सीनियर सिटीजन को यहाँ पर कंसेशन दिया करती थी रेलवे जो कि अब बंद हो गया है। तो ये चीज को अब ये लोग चाहते हैं कि रेलवे वापस से शुरू करे जिससे इन लोगों को सुविधा हो। तो अब आपके इस चीज पर क्या विचार है आप बताइएगा। हेलो, आई एम जैकलिन, आई एम फ्रॉम मेक्सिको। टुडे वी आर एक्सपीरियंसिंग द ट्रेन फ्रॉम नागपुर टू सिकंदराबाद। Today is the first day. So what is your experience about this train? It's been so nice. Right now we are traveling in executive class and I mean the AC is the priority number one, so AC was working just perfect. It's very spacious. Since the first moment they were like giving us water, it was running for only 5 minutes and they already provided the food. I haven't gone to the washrooms, but when I was entering I was shaking and at that point they were very clean. Yeah, and I have traveled through the sleeping train from Nagpur to Mumbai, so I can compare with that one. It's a very different concept, one from the other one, but this one is very pleasant and is promising to get you from Nagpur to Hyderabad in only 7 hours. This is even less than going by car and it's very comfortable. So I highly recommend it till now, yeah. How it is different from trains of Mexico? We don't have too many trains in Mexico. We don't. Yeah. We have like metro station in Mexico City, but like traveling from city to city is not that developed. So I can tell you India is having a great infrastructure in those terms. Yeah. Yes. So this is Sumit. I am also a content creator. My channel name is Gourmet Musafir. My main content is about food and travel. And this is my second Vande Bharat journey. First one was Nagpur Bilaspur, and this is the new Nagpur Sikandarabad Vande Bharat Express. How you feel different in this Vande Bharat? So two differences I observed. First was the color. The orange color is actually looking very good, better than the previous Vande Bharat. And even I can see the upholstery. ये भी काफी different है. उसमें I think it was little reddish bluish था वो. But this is I think this executive class chairs are more comfortable, थोड़ा और अच्छा
कंफर्ट लेवल दे हैव एडेड इन दिस. अब स्टेबिलिटी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे इस गाड़ी की? सर वी डिडंट रियलाइज, आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विद हर कि जब वो 130 टच हुआ वी एक्चुअली डिडंट रियलाइज. मुझे लगा ही नहीं कि इस बार ये 130 जाएगा बिकॉज आई हैव सीन सम वीडियोस, प्रीवियस वीडियो जिसमें 110 तक ये चला रहे थे, बट 130 कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, मतलब नॉट इवन अ सिंगल शेक और एनीथिंग. सी नाउ माय फोन इज क्रिप्ट, इट इज नॉट इवन मूविंग. सी वी हैड चाय, वी केप द चाय कप, वी हैड द चाय कप ओवर हियर एंड इट वॉज नॉट मूविंग. सो दिस इज लाइक अ बिग प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया. The semi-bullet train, I would say, of India, and also big good news that they are soon launching a manufacturing unit in Aurangabad, nearby Aurangabad. So now the coaches will be produced even in Maharashtra. So it's a good thing for Maharashtra. So thank you so much. तो अब हम यहाँ पर चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं. यहाँ से बलारशाह बहुत पास में, चंद्रपुर का एक डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर ताड़ोबा नेशनल पार्क है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है. यहाँ काफ़ी सारे टाइगर्स हैं. भीड़ आप देख लीजिए, इस चक्कर में मैं नीचे नहीं उतर रहा हूँ. अब आप यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, और कोच में भी, गाड़ी में देख लीजिए कितने सारे लोग चल रहे हैं. इसीलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है हमको, इसलिए मैं अपनी सीट पर ही बैठा हूँ. यहीं से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ बलारशाह में ऐसा है. बाकी देख लीजिए यहाँ पर कितना सज धज के लड़कियाँ भी आई हैं जो कि यहाँ पर डांस भी कर रही होंगी. यहाँ पर देखिए कितना बड़ा प्रोग्राम था. यहाँ बलारशाह रेलवे स्टेशन में हम आ चुके हैं. यहाँ बलारशाह में ये रही हमारी प्यारी सी गाड़ी, सारे दोस्त लोग भी आ चुके हैं, और ऑलमोस्ट पूरी गाड़ी यहाँ पर खाली होती जा रही है. आप देखिए, ये देखिए क्या माहौल रहता है यहाँ सारे स्टेशन में, आप देख ही सकते हैं. प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हम आए हैं, और अब बस हम यहाँ से निकलते हैं. यहाँ इसका नंबर था 02005 आज के लिए, बाकी बाद से इसका जो शेड्यूल टाइमिंग है वो अलग हो जाएगा. बाकी भीड़ आप देखिए, बाप रे बाप क्या ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, बिल्कुल मुंबई जैसा लग रहा है बलारशाह आज के दिन, वरना इतनी भीड़ यहाँ पे आपको कभी नहीं दिखेगी. चलिए अब हम वापस नागपुर के लिए निकलते हैं. अरे भीड़ तो देखो,